नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या कभी आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि आपको किसी अर्जेंट कार्य के कारण ट्रेन के माध्यम से कहीं जाना हो, या फिर आपने प्री प्लान के अकॉर्डिंग अपना टिकट बुक किया हो और अचानक से आपको सूचना मिले कि आपकी ट्रेन कैंसिल कर दी गई है, तो सोचिए वह स्थिति कितनी भयावह होगी। और पुनः वह स्थिति एक बार उत्पन्न हो रही है क्योंकि फाफामऊ से प्रयागराज के मध्य चल रहे रेलवे के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे ने ब्लॉक लिया गया है और 15 मार्च 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक के लिए 7 जोड़ी यानी कि 14 ट्रेनों को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है और 4 जोड़ी यानी कि 8 ट्रेनों का रूट, इसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और 2 रूट शॉर्ट कर दिया गया है, यानी कि इसको लास्ट डेस्टिनेशन तक ना चलाकर बीच में ही बंद कर दिया जा रहा है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल हैं, किसका रूट डाइवर्ट है और कौन सी शॉर्ट टर्मिनेटेड है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, ट्रेन नंबर 14231 और 14234 जो कि मनवर संगम एक्सप्रेस अप और डाउन ट्रेनों का संचालन 20 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक के लिए पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद ट्रेन नंबर 15159 और 15160 सारनाथ एक्सप्रेस, जिसमें 15159 जो कि छपरा से दुर्ग तक जाएगी, इसका संचालन 15 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो ट्रेन दुर्ग से छपरा की ओर जाएगी, इसका संचालन 16 मार्च 2020 से 8 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, ट्रेन नंबर 75115 और 75116 डेमो ट्रेन का संचालन 20 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिर ट्रेन नंबर 15017 और 15018 काशी एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर की ओर जाने वाली काशी एक्सप्रेस का संचालन 22 और 26 मार्च 2020 से 9 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद गोरखपुर से जो लोकमान्य तिलक की ओर जाएगी, उस ट्रेन का संचालन 20 और 24 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद ट्रेन नंबर 14233 14234 सरयू एक्सप्रेस, इसका संचालन 22 और 29 मार्च 2020 से 7 और 8 अप्रैल 2020 तक पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। और ट्रेन नंबर 12165 12166 है रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक से मंडुआ डीह की तरफ जाएगी, इसका संचालन 26, 27 और 30 मार्च 2020 से 2, 3 और फिर 6, 4, 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो ट्रेन मंडुआ डीह से लोकमान्य तिलक की ओर जाएगी, इसका संचालन 27, 28 और 31 मार्च 2020 से 3, 4 और 7 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, अंत में ट्रेन नंबर 12670 और 12669 गंगा कावेरी एक्सप्रेस, जो कि छपरा से चेन्नई की ओर जाती है, इसका संचालन 23, 25 और 30 मार्च 2020 से 1 और 6 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो ट्रेन चेन्नई से छपरा की ओर जाती है, इसका संचालन 21, 23, 28 और 30
2020 से 6 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों ये 14 ट्रेनें पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई हैं, तो आप अपना प्लान इसी के अकॉर्डिंग करिए क्योंकि इनका कैंसिलेशन अचानक से हुआ है। और ये लिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप इसके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन डाइवर्ट हुई हैं। दोस्तों डाइवर्ट होने वाली ट्रेनों के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि 4 दर्जन ट्रेनें जो कि अप डाउन मिलाकर 8 ट्रेन होती हैं वे किस रूट पर डाइवर्ट हुई हैं। जो ट्रेनें प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, फूलपुर और जंघई होते हुए संचालित की जाती थी उनमें ट्रेन नंबर 055 यानी कि लोकमान तिलक से गोरखपुर, गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस जो कि 19 मार्च 2020 से 6 अप्रैल 2020 तक अब प्रयागराज, बनारस और शाहगंज के रास्ते संचालित की जाएगी। इसी के साथ ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस यानी कि मुंबई लोकमान्य तिलक गोदान एक्सप्रेस 20 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक शाहगंज, जाफराबाद, बनारस और प्रयागराज के रास्ते संचालित की जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं ट्रेन नंबर 11059 और 11060। तो 11059 जो कि छपरा गोदान एक्सप्रेस है ये 19 मार्च 2020 से 6 अप्रैल 2020 तक प्रयागराज, बनारस, जाफराबाद और शाहगंज के रास्ते संचालित की जाएगी। और ट्रेन नंबर 11060 जो कि मुंबई लोकमान्य तिलक गोदान एक्सप्रेस है ये 20 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक शाहगंज, जाफराबाद, बनारस के रास्ते प्रयागराज को जाएगी। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रेन नंबर 11053, 11054 जो कि वीकली ट्रेन है लोकमान्य तिलक से आजमगढ़ ये 25 मार्च 2020 से 1 अप्रैल 2020 तक प्रयागराज, बनारस, जाफराबाद के रास्ते सागर संचालित की जाएगी। और मुंबई लोकमान्य तिलक वीकली एक्सप्रेस जो कि आजमगढ़ से लोकमान्य तिलक को संचालित की जाती थी ये 20 और 27 मार्च 2020 से 3 अप्रैल 2020 तक शाहगंज, जाफराबाद और बनारस के रास्ते प्रयागराज को संचालित की जाएगी। दोस्तों अब लास्ट जो ट्रेन बची है यानी ट्रेन 18205 और 18206 इसमें दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस ये 19 और 26 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक प्रयागराज, छिवकी, बनारस, शाहगंज होते हुए गोरखपुर की ओर जाएगी। और फिर अगला जो ट्रेन नंबर 18206 है नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस ये 20 और 28 मार्च 2020 से 4 अप्रैल 2020 तक गोरखपुर, मऊ, शाहगंज, बनारस से होते हुए प्रयागराज, छुकी को संचालित की जाएगी। तो दोस्तों ये जो 8 ट्रेनें हैं इनका रूट मैंने दे दिया है। टोटल ये 19 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक डाइवर्ट रूटों पे चलेंगी। अब आइए हम बात करते हैं वे दो ट्रेनें जो कि शॉर्ट टर्मिनेटेड की गई हैं, इसका मतलब इसको पूरा न चला के बीच तक ही चलाया जाएगा। तो ट्रेन नंबर दोस्तों ट्रेन नंबर 21107 और 21108 बुंदेलखंड जो कि लिंक एक्सप्रेस है इसका दोनों का संचालन 19 मार्च 2020 से 6 अप्रैल 2020 और 20 मार्च 2020 से 7 अप्रैल 2020 तक के लिए प्रयागराज तक ही संचालित होगा, ट्रेन इसके आगे नहीं चलाई जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से अपना प्लान को चेंज करेंगे या फिर दूसरे मोड में आप लोग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये परेशानी कुछ समय के लिए तो है किंतु इस मार्ग के बन जाने से हम लोगों का सफ़र
और भी सुगम और सरल हो जाएगा, हमारे टाइम की बचत होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी, और अगर ये जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचे। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करिए ताकि वे लोग भी होने वाली परेशानी से बच सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।